स्वाति मालीवाल के आरोपों का सामना कर रहे विभव कुमार आज अग्रिम जमानत की अर्जी लगा सकते हैं। इससे पहले कल दिल्ली के सीएम ने पुलिस ने यहां पर सीएम आवास में क्राइम सीन रिक्रिएट किया। स्वाति से पूछा गया कि जब बदसलूकी हुई तो कितने लोग ड्राइंग रूम में थे और कौन कौन किस जगह पर था। सीएम केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार ने भी स्वाति मालीवाल के खिलाफ शिकायत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के यमुना खादर में जनसभा को करेंगे संबोधित। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की राजधानी के अशोक विहार में रैली रहेगी। खास बात यह कि इस रैली के लिए कांग्रेस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी न्योता नहीं दिया, जबकि दिल्ली में आप और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही। दिल्ली की 7 सीट पर 25 मई को वोटिंग होने वाली है। लोकसभा चुनाव के 5वें फेज में आज प्रचार का शोर थमेगा। सोमवार को 49 सीट पर वोटिंग है। कल उम्मीदवार घर घर जाएंगे, प्रचार करेंगे। इस चरण में कई सियासी दिग्गजों की किस्मत दांव पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से, कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायबरेली से, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली की नॉर्थ सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैया कुमार के साथ चुनाव प्रचार के दौरान मारपीट का मामला आया सामने। एक शख्स कन्हैया कुमार को माला पहनाने के बहाने आया और थप्पड़ मारना शुरू किया। उसने कन्हैया पर स्याही फेंकी। घटना के दौरान आम आदमी पार्टी की महिला पार्षद छाया शर्मा से भी हाथापाई हुई। इसे लेकर शिकायत की जा चुकी है। देश में साइबर फ्रॉड के खिलाफ सरकार का एक्शन जारी। केंद्र सरकार ने अब तक 1.70 करोड़ मोबाइल नंबर्स रद्द किए। साथ ही 1.86 लाख मोबाइल फोन्स को ब्लॉक किया गया। साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए सरकार हर दिन हजारों फर्जी मोबाइल कनेक्शंस की पहचान कर उसको बंद करवा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव पर एक बार फिर से निजी टिप्पणी कर डाली है। नीतीश कुमार ने लालू यादव की 9 संतान होने पर सवाल उठाए। मोतिहारी की रैली में नीतीश कुमार ने कहा कि लालू ने बेटे की चाहत में 9 बच्चे पैदा कर दिए। आरजेडी प्रवक्ता ने इस पर प्रतिक्रिया दे दी है। शुक्रवार को दिल्ली में इस मौसम का सबसे गर्म दिन दर्ज हुआ है। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में कल लू चली काफी। मौसम विभाग कह रहा है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिन हीट वेव का प्रकोप जारी रह सकता है। आईपीएल 2024 में आज टॉप 4 के लिए चौथी टीम तय होगी। अब तक कोलकाता, राजस्थान, हैदराबाद ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु चेन्नई सुपर किंग्स के बीच बड़ा मुकाबला होगा। इस मैच की विजेता टीम प्लेऑफ में पहुंचेगी। हालांकि आरसीबी को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए सिर्फ जीत नहीं बल्कि बड़े अंतर की जीत की जरूरत होगी। Zee News.